अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिजिक्स का लेक्चर इन्जॉय कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है कॉन्सिक्वेंसेज एंड द एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशन के यानी कि फ़ायदे क्या हैं, इनकी अप्रोचेस क्या हैं टूवर्ड्स रियल लाइफ, हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब रेडिएशंस होती क्या हैं? जो हीट एनर्जी सन की हम तक आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जिसे हम क्या कहते हैं, रेडिएशंस कहते हैं। ठीक हो गया। रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं। एक होती है लाइट की शक्ल में, जो लाइट है वो ज़्यादा बड़ी है क्या कहते हैं, इंफ्रारेड से। अब और जो लाइट है वो जो छोटी है किससे, यूवी से। और हमें पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ कितनी बड़ी है या छोटी है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कितनी है, डिपेंड ऑन वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होगी, तो इसकी क्या होगी, लार्ज वेवलेंथ। इसकी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसकी है मीडियम वेवलेंथ कर लें आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हम चीज़ें हैं जो हम अभी डेली लाइफ में हम करते हैं। अच्छा, अब अक्सर आपने देखा होगा कुछ ना किसी जगह पे किसी बंदे को, अल्लाह ना करे किसी को ट्यूमर निकल आता है, तो फिर डॉक्टर्स को पता कैसे चलता है? एक ब्रांच है फिजिक्स की, मेडिकल फिजिक्स, तो उसने इस फील्ड में, डॉक्टर की फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ की हैं। अब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ था, एक ऐसा आला है, वो रेडिएशंस मारते हैं, उसका नाम क्या है, ये उस अफेक्टेड एरिया पे, इमेजिन करते हैं कि अफेक्टेड एरिया पे वो रेडिएशन मार रहे हैं, और जो अफेक्टेड एरिया है जहाँ पे वो ट्यूमर है वो अपीयर्स क्या करता है, रेड हो जाता है, वो रेड या येलो की शक्ल में आ जाता है। तो आप उन्होंने किसी वो मारा है सुनाम क्या है ये पेशेंट के ऊपर वो रेडिएशंस फेंकी हैं, तो जो जो उसका अफेक्टेड एरिया होगा वो रेड हो जाएगा। प्लस ये है कि और भी इसके बड़ी यानी कि इसके जो कलर है, टेक्सचर है, वो बहुत डिपेंड करता है। जो ब्लैक कलर है वो बहुत अच्छा अब्सॉर्बर है और इमिटर भी अच्छा। इसी वजह से हम सर्दियों में ब्लैक कलर पहनते हैं ताकि हमें दिन के वक्त हम गर्मी अब्सॉर्ब करते रहें, और जैसे ही रात होती है तो अब सराउंडिंग हो गई है कोल्ड बॉडी और आप हैं हॉट बॉडी, तो फिर आपका ब्लैक कलर जिसने हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की उसको इमिट भी करेगा, तो फिर इमिट आपकी बॉडी से होकर निकलेगी, आपको गर्मी रात को भी फील होगी। अब शाइनी सरफेस है वो ना अच्छी ऑब्जॉर्वर हैं, अगर ऑब्जॉर्वर नहीं है तो फिर इमिटर भी अच्छी नहीं है और रिफ्लेक्टर वो अच्छी हैं। तो यानी कि ये इसकी एप्लीकेशन है, कॉन्सिक्वेंसेज है कि हाँ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन आप देख लें कि यहाँ पे एक बना हुआ है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक वैक्यूम फ्लास्क बना हुआ है, यानी कि जो चाय वाला फ्लास्क नहीं, मैं वो उस तरह का बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, सही नहीं बना, चले मैं दोबारा से मिड में बना देता हूँ मैं। अच्छा, ये जो थर्मोस है या इस नाम क्या है, वैक्यूम फ्लास्क से कहते हैं हम, इसमें होता क्या है, असल में इसकी जो अंदर वाली सरफेस है वो बड़ी शाइनी कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, शाइनी सरफेस कर दी जाती है, और इसके अंदर जब हम हॉट लिक्विड रखते हैं तो काफ़ी देर तक हॉट रहता है, और कोल्ड लिक्विड रखते हैं तो काफ़ी देर तक कोल्ड रहता है। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ, इसकी सरफेस बड़ी शाइनी कर दी जाती है, क्यों, क्योंकि अंदर का लिक्विड जब इस पर हीट फेंके तो हीट उसको ये वापस रिफ्लेक्ट कर दे, वो हीट दे रहा है ये उसको हीट वापस दे रही है कि भाई मैंने तुम्हारी हीट नहीं लेनी, अपने पास ही अपनी हीट रखो। तो इससे क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट वो क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। उसके बाद फिर भी
थोड़ी बहुत ही हीट यहाँ तक इस सरफेस तक पहुँच जाती है, तो इस सरफेस के बाद यहाँ पे खाली जगह वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम का मतलब कुछ भी नहीं, ना एयर पार्टिकल्स ना कुछ। अब वैक्यूम है सिर्फ, तो यानी कि यहाँ से ना कंडक्शन भी नहीं हो सकती, ना कन्वेक्शन हो सकती है। फिर क्या होगी, जो थोड़ी बहुत ही हीट है वो सिर्फ रेडिएशन की शक्ल में यहाँ तक निकल जाएगी, और फिर जो थोड़ी बहुत ही फिर भी निकल गई वो आगे हमने क्या लगा दी, इसका जो आउटर कवरिंग है वो एक इंसुलेटर होता है जी, वो क्या करता है कि इस हीट को आगे ट्रांसफ़र होने ही नहीं देता। और प्लस जो उसका ऊपर वाली साइड, इस पर हम कॉक लगाते हैं जो भी एक ऐसा इंसुलेटर के तौर पर काम करता है। तो इसको यानी कि समझाने का मकसद ये था कि देखें कैसे एक कलर्स रेडिएशन को, यानी कि कलर्स की जो है आपके थ्योरी को या कलर्स की प्रॉपर्टीज को, कलर्स की नेचर को आपने कैसे रेडिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया और वैक्यूम फ्लास्क बनाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो गया, इस वाट मेनियस टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ठीक है। और एनी क्वेश्चन एनी क्वारीज आप बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में जो मोस्ट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल है, दो न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और अक्सर इसको मिला देते हैं, ये एक्सपेंशन के साथ मिला देते हैं और सेक्ट एट चैप्टर से न्यूमेरिकल उठा लेते हैं, या फिर एट से टॉपिक उठा लेंगे, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक्सपेंशन, लैटिन हीट, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसको उठा के इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल से मिला देते हैं। यानी कि बच्चों इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ एट और नाइन ये दो चैप्टर नहीं है, इनको आप एक ही चैप्टर कंसीडर करो। देखिए एट इतना बड़ा रखा हुआ है, नाइन इतना छोटा सा रखा हुआ है, वजह क्या है, एक उसका बस मैकेनिज्म बता रहे हैं कि हाँ ट्रांसफर हीट ऐसे होती है, उसके लिए छोटा सा चैप्टर बना दें, वरना एट भी सही थे। तो बच्चों इस वजह से था कि इन दोनों चैप्टर्स को आपने इकट्ठे ही लेके चलना है, यानी कि छोड़ना नहीं इन दोनों चैप्टर में। सर एट नाइन इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर बेटा, मोस्ट ईजिएस्ट। सो ये कि कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू चैप्टर, कोई चीज़ आपको अच्छी लगी है तो आप बता सकते हैं, इवन फॉर इम्प्रूवमेंट आप बताना चाहते हैं कुछ तो आप बता सकते हैं। So thanks a lot. See you in next lecture. Till then, Allah Hafiz.